सूरज और चांद। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में सिर्फ तीन लोग थे, एक माँ, एक बेटा और उसकी छोटी बहन। वो बड़े प्यार से एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन उनकी माँ को किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जाना था। बेटा, मैं काम से गांव के बाहर जा रही हूँ। मुझे एक धनवान परिवार के यहाँ काम मिला है जो बगल में ही है। मैं शाम ढलने से पहले आ जाऊंगी, तब तक तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, लेकिन शाम ढलने से पहले आ जाइएगा। हाँ जरूर, मैं तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट मिठाई लाऊंगी, ठीक है? वाओ, मिठाई मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही माँ नजरों से ओझल हो गई, तो भाई के मन में एक बात आई। मुझे एक बात कहनी है छुटकी। और वो क्या है भाई? देखो, आज माँ तो बाहर गई है और कुछ खास काम भी नहीं है, तो क्यों ना माँ को हम एक अच्छा सा सरप्राइज दे। बड़ा मजा आएगा, मगर कैसे? भाई अपनी बहन को एक टीले पर ले गया जहाँ एक अखरोट का पेड़ था, ताकि वो माँ के लिए अखरोट जमा कर सके। उसने एक लंबी लकड़ी ली और बहन के हाथों में एक टोकरी थमा दी। जब वो अखरोट के पेड़ के पास पहुँचे, तब भाई ने लकड़ी के सहारे बहुत सारे अखरोट गिराए। इस लकड़ी से पेड़ को हिलाने से बहुत सारे अखरोट ऐसे गिरते हैं, हमें पेड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ भाई, और मैं आसानी से टोकरी में जमा कर सकती हूँ, वो भी ढेर सारे। उन्होंने बहुत सारे अखरोट जमा किए और घर की तरफ चल पड़े। फिर घर के सामने बैठकर दोनों अच्छे अखरोट को चुनने लगे। इसके बाद अखरोट के सख्त हिस्से को तोड़कर उसमें से स्वादिष्ट फल को निकाला। छुटकी फल खाना चाहती थी, पर भाई ने मना कर दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मुझे भी ये खाना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले हम इन सबको भूनेंगे और फिर सबसे पहले माँ को देंगे। तुम्हें याद है ना, हमें माँ को सरप्राइज देना है। ओ हाँ, याद आया, ठीक है। अंधेरा हो रहा था और माँ घर जल्दी पहुँचने के लिए तेजी से चल रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे सारा दिन घर पर अकेले थे, उम्मीद है वो ठीक होंगे और दोपहर को वक्त पे खाना खाया होगा। अपने बच्चों की चिंता माँ को इतनी हो रही थी कि वो घने जंगल को तेजी से पार करना चाहती थी। वो इस बात से अनजान थी कि इस जंगल में कोई तो उस पर नजर रखते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसे कुछ आहट सुनाई दी और वो घबरा गई। उसने अपनी चाल को और तेज किया, तभी अचानक एक खूंखार शेर उसके सामने आकर डट गया। मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? मुझे तुम्हारी टोकरी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ खाने की चीज है, मैं बहुत भूखा भी हूँ। वो तो सिर्फ मिठाई है। ओह, मिठाई मुझे बहुत पसंद है, सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तुम चाहो तो सारी मिठाई ले सकते हो। नेकी और पूछ पूछ, मैं तो सारे खा जाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। माँ ने सारी मिठाई शेर के सामने रख दी। जैसे ही शेर खाने में व्यस्त हो गया, वो जल्दी वहाँ से भाग गई। जंगल में से तेज दौड़ते हुए वो जल्दी अपने गांव पहुँचना चाहती थी, मगर शेर फिर से उसके सामने आ गया। तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती। पर मैंने तो तुम्हें सारी मिठाई दे दी। नहीं, तुमने मुझे सारे नहीं दिए, जरूर तुम्हारे पास और बचे होंगे। मुझे खुशबू आ रही है, कहाँ है, जल्दी दो मुझे। मैंने कुछ बचा के रखी है अपने दोनों प्यारे बच्चों के लिए, उन्हें वो बहुत पसंद है। बकवास बंद करो और मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, ये लो और मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपने बच्चों के लिए छुपा के रखी हुई मिठाई माँ ने उस भूखे शेर के सामने डाल दी। जैसे ही शेर खाने में व्यस्त हो गया, माँ तुरंत वहाँ से भाग निकली। वो तेज दौड़ रही थी, शेर ने उसका पीछा किया और उसके सामने आ गया। मैंने सारे खा लिए, मगर मुझे और भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास और कुछ है? नहीं नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, जल्दी से कुछ खाने को दो वरना मरने को तैयार हो जाओ। मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वो बहुत भूखे होंगे, प्लीज मुझे घर जाने दो। मैं
तुम्हें कैसे जाने दूं, क्योंकि मैं भूखा हूँ। ये कहते ही शेर ने माँ पर छलांग लगाई और उसे मुंह में दबोचकर साथ में ले गया। दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हुए भट्टी में अखरोट को भून रहे थे। वो दोनों फल को भूनते हुए और फूटते हुए देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सुनो प्यारे बच्चों, जरा दरवाजा खोलो। लगता है माँ आ गई। नहीं रुको, ये माँ की आवाज नहीं लगती, ये तो कोई और ही है। लगता है कुछ तो जरूर गड़बड़ है। माँ अपना हाथ तो दिखाना, हम एक बार देख लें तो तसल्ली हो जाएगी। घर के बाहर माँ तो नहीं थी, बल्कि वो शेर था। ये लड़का बहुत चालाक है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। शेर ने अपने पंजे देखे जिस पर कुछ मिठाई लगी हुई थी। उसने वही पंजा उनको दिखा दिया। नादान बच्चों को ये देखकर विश्वास हो गया और उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने और शेर था। शेर, बचाओ, बचाओ। इस वक्त तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ये क्या भाई, अब हम क्या करेंगे? मुझे सोचने दो। तुम दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम भी अपनी माँ की तरह स्वादिष्ट होगे। हाँ? तुमने हमारी माँ को खा डाला? चुप हो जाओ। अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगा। मैं बहुत भूखा हूँ। ये बताओ, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा, तुम या तुम? थोड़ा सोचने के बाद शेर ने बहन की तरफ इशारा किया। भाई को चिंता हो रही थी, उसने कुछ सोचा और कहा, हम तो टेस्टी हैं, पर हमसे भी कुछ ज्यादा टेस्टी दूध तो कैसा रहेगा, बताओ? और वो क्या है? क्या तुमने कभी अखरोट खाए हैं? अखरोट? वो कैसे होते हैं? अखरोट दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फल होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं तुमने अब तक खाया कैसे नहीं। जल्दी दो मुझे, मेरे सामने अखरोट हाजिर करो। हाँ जरूर, ये बहुत ही जायकेदार, मजेदार और सेहतमंद होते हैं। देखो हम अभी कुछ भून भी रहे हैं। शेर भुक्कड़ की तरह भून रहे अखरोट को देख रहा था। वो लाल सुनहरे अखरोट देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने तुरंत अपना मुंह सिगड़ी में डाल दिया। उसका मुंह जल गया, वो जोर जोर से चिल्ला उठा, पर वहाँ उसे बचाने के लिए कोई नहीं था। बचाओ, मेरा मुंह जल गया, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये बहुत जल रहा है, बचाओ, कोई बचाओ। शेर को अपनी लालच की सजा मिल गई थी। उसका मुंह और दोनों पंजे जल गए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों भाई बहन वहाँ से भाग निकले। वो दोनों भागते हुए अपने आंगन के एक पेड़ पर चढ़ गए। शेर भी थोड़ी देर बाद बाहर आ गया और उन बच्चों को ढूंढने लगा। भाई हम यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे, शेर हमें पकड़ के खा लेगा। घबराओ मत बहना, हिम्मत रखो। पर भाई मुझे डर लग रहा है, वो हम दोनों को खत्म कर देगा। ऊंची आवाज में बात मत करो, उसे पता चल जाएगा। दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठे रहे। शेर को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि बच्चों ने उसे बेवकूफ बनाकर उसका मुंह जलाया। वो बच्चों को अंदर बाहर घर के चारों तरफ ढूंढने लगा। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? वो दोनों जरूर यहीं कहीं छुपे होंगे। इतने अंधेरे में भागना मुश्किल है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और खा जाऊंगा। घर के आंगन में चलते चलते उसे एक कुएं में दोनों बच्चों की परछाई दिखाई दी। तो तुम दोनों यहाँ हो, आखिर कब तक छुपते मुझसे? अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये उन दोनों की परछाई थी। उसने झट से कुएं में छलांग लगाई। जब वो पानी में गिर गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शैतान बच्चों, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। पहले मेरा मुंह जलाया और अब पानी में गिरा दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं, साफ कर दूंगा, बस मुझे बाहर आने दो। दोनों बच्चे उस पर हंसने लगे। शेर को किसी तरह एक रस्सी मिल गई। वो रस्सी के सहारे कुएं से बाहर आ गया।
फिर शेर उस पेड़ की तरफ गया जिस पर बच्चे बैठे थे। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलन होने के कारण वो ऊपर नहीं पहुंच सका। सुनो बच्चों, ये बताओ मैं ऊपर कैसे आऊं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुमने बता दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें नहीं खाऊंगा। हम उस कुल्हाड़ी के सहारे ऊपर आए। ओ बहना, ये तुमने क्या किया? वो भरोसे के लायक नहीं है। सही कहा तुमने। अब देखो मैं पेड़ पर कैसे चढ़ता हूँ और तुम दोनों बच के दिखाओ मुझसे। शेर को पास में रखी हुई कुल्हाड़ी मिल गई और उसने चढ़ना शुरू किया। दोनों बच्चे डर से कांपने लगे। भाई ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हमें बचाना चाहते हो तो एक मजबूत रस्सी का इंतजाम करो, या फिर कमजोर अगर हमारा अंत निकट है तो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। हाँ भाई, देखो एक रस्सी। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। दोनों भाई बहन ने रस्सी कस के पकड़ ली जो उन्हें आसमान की ऊंचाई तक ले गई। जब शेर ऊपर आया तो देखा कि दोनों बच्चे आसमान में उड़ रहे थे। शेर को बहुत गुस्सा आया। लगता है मुझे भी प्रार्थना करनी होगी। ठीक है, यही सही, लेकिन कुछ भी हो मैं अपना शिकार छोड़ूंगा नहीं। हे प्रभु, मेरे लिए एक रस्सी भेजो या फिर एक कमजोर रस्सी जिससे मेरा अंत हो जाए। तुरंत एक रस्सी हाजिर हो गई। शेर ने उसे कस के पकड़ लिया। रस्सी शेर को आसमान में ले गई, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। काफी ऊपर पहुंचने के बाद शेर को पता चला कि वो कमजोर रस्सी थी। वो बीच में ही टूट गई और शेर ऊंचाई से जमीन पर जा गिरा और खत्म हो गया। भाई बहन आसमान की ऊंचाई छू रहे थे। प्रभु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों सूरज और चांद बन गए ताकि वो दुनिया में रात और दिन रोशनी फैला सके।